हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंदास चतुर्वेदी फैमिली यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी शाम को हो रही है क्योंकि सुबह हमने बनाया नहीं था ब्लॉग, क्योंकि अभी शाम को ही प्रोग्राम है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। हमारी जो भाभी है ना अर्चना भाभी, आज वो सारे भगवान को ड्रेस चढ़ा रही हैं। भाई, हम सब लोगों के नए कपड़े हैं तो भगवान के भी तो कपड़े होने चाहिए, तो भगवान के लिए बच्चे को दर्शन भी कराएंगे। उसके बाद हमारे आज प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी दिन रखना। दिन रखने का मतलब होता है जैसे उसमें गणेश जी और गौरा जी की पूजा होती है, मतलब उनको बुलाया जाता है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान की पूजा होती है और उनको बुलाया जाता है और देवी देवताओं को बुलाया जाता है, तो उसको हम लोग हमारे यहाँ दिन रखना बोलते हैं। और गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये पारिवारिक वीडियो है। जेठानी है ना, उनकी एक सिस्टर आई है बूढ़ी सास से, बहुत दूर से आई है और यही बच्चे को लिए है। चलो बच्चे को दिखाते हैं, लगन कर लो सबसे। हेलो गाइस, कर लो। देखो हमारा चुटकू अभी निन्ने कर रहे हैं, इनको ड्रेस चेंज कर देते हैं। और भाई, इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये चुटकू के पापा हैं। ये चुटकू के पापा हैं। चलो भाई, सब रेडी हो गए मंदिर के लिए? नहीं, हाँ। बच्चा हुआ है, बच्चा। अच्छा अच्छा, भाई अभी हमारा चुटकू रह गए हैं, वो रेडी हो जाए फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। हमारे चुटकू रेडी हो चुके हैं। वाह, और चुटकू के शूज देखो, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे सूज। हाँ, वाह, हमारा चुटकू बहुत क्यूट लग रहा है अपनी मम्मा की तरह। हम लोग बाहर जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। बहु रानी हमारी, आ जाओ। ओम नमः शिवाय, सभी लोग दर्शन कर लीजिए भगवान के। दुल्हन बन जाओ मंदिर में। गांव की गोरी बन गए अब हम। ये हमारी प्यारी सी बेटी है जिसके हमने शादी के वीडियो एंजॉय कराए थे आप लोगों को। गाइस, आज भी वही जोश है जो चौक में था। देखे चुटकी, मेरी चुटकी, प्यारी प्यारी चुटकी। सो रही है वो, सो रहा है वो। सबसे प्यारी उसकी सूज है, जैसे लाला हमसे लाली है। हाँ भाभी, चार पकौड़ी ऐसी लाई लाई, गोल गोल खाए मेरी मैया मगन श्री लाई बोल। सास ननद से लेके आई पिया से छोर, सास ननद से लेके आई पिया से आई छोर। मनाते हैं कटान कर दो मेरा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं।
से अंदर आ गए और अब लगने वाला है ओली चौक, जो आंगन में लगाया जाएगा और फिर दिन रखा जाएगा, शाम के टाइम ही दिन रखा जाता है। तो अभी हम ओली चौक लगाने जा रहे हैं। हवाई टंकी अभी की किचन में, चलो चौक लगा दो। गाइस अब लगा रही हूँ मैं चौक, क्योंकि जब दिन रखा जाता है तो उसमें ओली चौक लगता है, तो मैं ओली चौक लगा रही हूँ। अभी यहाँ चाची ने लीप दिया है, हल्दी से दिया है, अभी यहाँ पर मैं ओली चौक लग रहा है। ले गाइस मैंने चौक लगा दिया है और थोड़ा हल्दी से डेकोरेट भी कर दिया है, क्योंकि वाइट पत्थर था, वाइट दिख नहीं रहा था, इसलिए चलो आपको दिखाते हैं। ये रेडी हो गया ओली चौक, इस पर मैंने थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा दी है तो अब दिख रहा है ये। सही लगा चौक? कैसा लगा? सही लगा। आप लोग आ जाओ, चौक लग गया है। भाभी आ जाओ कि पूजा होगी, और दादी कच्चा आम खा रही है। वो भी कहाँ से आए? उड़ीसा, बड़ी दूर से उड़ीसा से आए। और क्या आया है? और गाइस ये जामुन भी आए उड़ीसा से। और ये क्या मिठाई है उड़ीसा की? साला पूरी। ये साला पूरी है? साले पूरी। अच्छा, हमेशा गलत नाम लेते। खट्टा नहीं है कच्चा? बच्चे की दादी को इस उम्र पे अब खट्टे आम अच्छे लगने लगे हैं तो बाबा को भी अच्छे लग रहे हैं। मामला संदेह में है। गाइस ये है ना, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है दिन रखने का, और मान्या बच्चे को लेके आ गई यहाँ पर। ये गौरा मैया बनाई है और इनकी पूजा कर रही है, गणेश जी और गौरा मैया की। वही होगा, हाथ में पैसे पकड़ा के ऐसे करके रोली चावल लेके ऐसे ऐसे रोटी रखे पेड़ा रख दो। चलो उठ जाओ, गाइस अब भजन होंगे। बन्ना गाए जाते हैं। हाँ बन्ना, अच्छा भजन तो मंदिर पे गा लिया, बन्ना गाए जाएंगे। हाँ हमारे कबीर बाबू को गर्मी लग रही है। पहले गणेश जी का आप गाओगे? गणेश जी का, उसके बाद बन्ना गवेंगे, और फिर छठी वाले दिन जच्चा गवेंगे। जाजी आप यहाँ क्या? आपकी जगह होगा छठी में? हाँ हाँ, मुझसे ले लो मंजू, वो छठी का वाला नाम चेंज हो गया, सुनो बजिया ले लो उसके पीछे। हमारे घर
मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना गाना गाया था। को आ गए हमारे प्रोग्राम खत्म हो चुका है और अब सब लोग अंदर अपने अपने रूम में चले गए क्योंकि गर्मी बहुत थी। अभी संगीत का प्रोग्राम तो खत्म हो गया है तो फिर हम लोग रूम में आ गए और ये भाभी ने हम लोग 20-20 रुपीज सभी को बांटे हैं। इसको क्या बोलते हैं अभी? तमोर। हाँ, तमोर। इसको हमारे यहाँ तमोर बोलते हैं। तो हमारे छुटकू भी देखो क्या सो रहा है, लग रहा है अपने बुआ के पास कितने आराम से लेटा हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड जिसने भी जो भी इस वीडियो में पहली फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर लो, छोटू से बाय कराओ। बाय।